हाय एवरीवन, आज हम बेसन और चावल के आटे से बहुत ही टेस्टी मज़ेदार कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी लेके आए जो 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट है। इस तरह से सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो, बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। आप चलिए देर की इस बात की नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लिया है, 1 कप बेसन ले लेंगे, 1 कप ही हम चावल का आटा मिलाएंगे। अगर चावल का आटा नहीं है तब इसके जगह सूजी ले सकते हो 2 चम्मच। अब इसको हेल्दी बनाने के लिए कुछ सब्जी मिलाएंगे, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च, थोड़ी सी हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके लिया वो डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन से नाश्ता का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, थोड़ी सी चाट मसाला। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेटर रेडी करेंगे। पानी को हमें एक साथ नहीं मिलाना, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, हमारे रसोई में जो भी सामान अवेलेबल है उसी से बना के दिखा रहे हैं। देखिए मिक्स कर लिया है, अब इसको 5 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। अब चलिए 5 मिनट बाद चेक करते हैं। देखिए बेटर हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। थोड़ी सी बेकिंग सोडा मिलाएंगे, इसी के ऊपर 2 चम्मच पानी मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा मिलाने से नाश्ता ज़्यादा देर तक क्रिस्पी बने रहेंगे। देखिए मिक्स कर लिया है, बेटर हमें इसी तरह से गिरना चाहिए, अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस पे चलते हैं। देखिए बहुत ही कम ऑयल डाला है, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारी गर्म हो गई है, एक साथ ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना। दोबारा से बेटर को मिक्स करेंगे और चम्मच भर के डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से फैला लेंगे, थोड़ा सा ही फैलाना है, ज़्यादा नहीं। अब इसको एक साइड सीकने देंगे गैस का पहले मीडियम करके। ऊपर से हम गर्म ऑयल इस तरह से डालेंगे। इस तरह से ऑयल डालने से नाश्ता हमारी फूलेंगे। एक साइड सीख गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए इधर सीख गई है, अब दूसरी साइड भी सेक लेंगे, फिर से पलट लेंगे। अलट पलट के 2-3 मिनट और सेक लेंगे ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। गैस का पहले मीडियम करके ही सेकना है, नहीं तो नाश्ता हमारी जल जाएंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। इस तरह से नाश्ता बनाएंगे तो बाजार की समोसा कचौरी भूल जाएंगे, खाना इतनी टेस्टी है, मज़ेदार है। अचानक घर में मेहमान आ जाए तो भी बना सकते हो, वो आपकी तारीफ करेंगे। हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से बना के बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो, बच्चे बड़े खुश होकर खाएंगे। देखिए नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी कितनी बढ़िया आ गई है। अब हम निकाल लेंगे। देखिए मैं पास से दिखा रही कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से हम सभी नाश्ता को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए। देखिए ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से कितना सॉफ्ट है। देखिए हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, बनाना भी आसान है। इस तरह से सॉस के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।